बिहार का मंदार महोत्सव कोरोना काल के बाद एक बार फिर से आयोजित हुआ। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कड़ाके की ठंड व गलन के बावजूद 3 दिवसीय मंदार महोत्सव यानी बौसी मेला पूरे सवाब पर है। बांका के बौसी में आयोजित इस मेले में लोग अपने घरेलू सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जबकि मिठाइयों की दुकान पर लोग लजीज मिठाइयों के साथ साथ गोलगप्पे आदि का मजा लेते नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि पहले दिन तो भीड़ भाड़ नहीं देखी गई, जिसको लेकर निराशा रही, लेकिन अब भीड़ भाड़ बढ़ने के साथ साथ दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। पहले दिन में ही दुकानदारों को अच्छी आमद होने की उम्मीद दिखाई देने लगी। रविवार को मेले में बेशुमार भीड़ रही, लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में खास आकर्षण का केंद्र डिज्नीलैंड मेला सह प्रदर्शनी रहा। यह दिल्ली, जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रांतों से आए दुकानदारों के द्वारा फर्नीचर की दुकानें भी लगाई गई थी। ठंड के कपड़े के साथ साथ कश्मीरी शॉल की खरीदारी करने के लिए यहां भारी भीड़ दिखाई दी। बच्चों के लिए विभिन्न तरह के झूले, मारुति सर्कस, जनता सर्कस में भारी भीड़ देखी गई। इन सब के बीच बौसी मेला में पहली बार रेंजर झूला भी लगाया गया था। अधिक भीड़ भाड़ होने के चलते रविवार को पुलिसकर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महाराणा चौक से मंदार हिल तक लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यह स्थिति बौसी मेला परिसर में भी देखने को मिली। पुलिसकर्मियों ने बताया कि छुट्टी का दिन होने के चलते रविवार को मेले में भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि इस मेले का समापन मंगलवार को होगा। प्रभात।